सवा करोड़ महादेव के एक दिन में पार्थिव लिंग के पूजा 13, 11, 22 के हम सब सम्पन्न कर जा रहा छी। महादेव कृपा जे हेतै से भर देते। मधुबनी जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित लाइटका प्रखंड का सम्राट सभागाछी में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। बताते चले कि 1326 ईस्वी में कनौट वंश के शासक राजा हसनदेव सिंह ने सौराठ सभा की स्थापना की थी। तब से लेकर आज तक यह सब अपने आप चली आ रही है। इस सभा में बड़ी संख्या में मैथिल ब्राह्मण भूमिहार राजपूत 10 वर्ग के लोग अपनी कन्या के लिए योग्य वर तलाश में आते हैं। सौराठ सभा गाछी में जिले सहित नेपाल के विभिन्न जिलों के लोग अपनी कन्या के लिए वर की तलाश में आते थे और पंजी प्रथा के माध्यम से पंडित कार के द्वारा योग्य वर की खोज करते थे। इस बार की सभा 8 जुलाई 2022 तक चलेगी। इस बार सभा गाछी में 1.25 करोड़ महादेव का पूजन किया जाएगा। महादेव पूजन का इतिहास बनेगा, इसलिए भूमि पूजन कर सैकड़ों लोगों के द्वारा पवित्र मिट्टी सभा गाछी में लाया जा रहा है। शुभारम्भ किया गया रामचरितमानस पाठ से और आगामी नवंबर माह में जो 1.25 करोड़ शिवलिंग की पूजा होगी उसके लिए आज ही इस शुभारंभ के दिन में भूमि पूजन कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया। यहाँ के स्थानीय प्रबुद्ध वर्ग, आसपास के गांवों के लोग जो धर्म परायण हैं, उन्होंने काफ़ी सक्रियता से, तत्परता से इस भूमि पूजन का कार्यक्रम का निर्वहन किया है और आगामी 8 जुलाई को जिस दिन सौराठ सभा का समापन होगा उस दिन पूरे मिथिलांचल के प्रबुद्ध आगामी 8 जुलाई को इसी सौराठ सभा गाछी में हम मिथिला के प्रबुद्ध वर्गों की एक विशाल बैठक सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम हमारे जो 1.25 करोड़ पाठक लिंग मिथिलांचल में सभा सुना सभा स्थल सुना सभा गाछी में 1.25 करोड़ माँ सब पाठक लिंग के पूरा 13, 11, 22 घूम पूरा 8 तारीख का झंडा को आप बताइए। सौभाग्य के बात है जो हमारा मिथिलांचल के सिद्ध भूमि पर आई 1.25 करोड़ महादेव पूजा के आई विधिवत माटी मटकोर जो विधिवत भेल है और हम मिथिलांचल के तमाम बुद्धिजीवी तमाम साधक से आग्रह करबे ये अठमा आबत 6 साल से विगत 6 साल से अ सभा गाछी में रामचरित्र मानस के पाठ से चल रहा है सभावास में और तो बहुत प्रोग्राम हाँ और पार्थिव पूजन से 6 साल से कर रहा छी। हम तो अते गदगद छी जे 1100 के करे छन वा 1 करोड़ बढ़ हुआ जा रहा है। आप बोल दीजिए सही में। हाँ फिर से 1.25 करोड़ महादेव के एक दिन में पार्थिव लिंग के पूजा 13, 11, 22 के हम सब सम्पन्न कर जा रहा छी। महादेव कृपा जे हेतै से भर देते। कौन जगह छे सौराठ सभा छे? सौराठ सभा शुरू भ गेलै। हाँ हाँ आज से सौराठ सभा शुरू छत। कब तक चलते कब तक 8 तारीख तक। अपने के नाम तीनों आदमी नाम बोल दियो। हमारा नाम विमल कुमार जब अपने के नाम भेल महाकाल बाबा एहन करता पंडित सम्मूनाथ झा। भैया एक पैकेट चाय पत्ती का देना। ये लीजिए चाय पत्ती। भैया मुझे कनीस की चाय पत्ती चाहिए। क्यों? कनीस चाय पत्ती में ऐसा क्या है जो आपको वो ही चाहिए? कनीस चाय दुनिया की पहली GMP सर्टिफाइड चाय पत्ती है जो कड़क और खुशबूदार होने के साथ एकदम नेचुरल और प्योर है जो रिफ्रेशिंग टेस्ट देती है और एक बार इसको कोई पी ले तो कोई दूसरी चाय अच्छी नहीं लगती। कनीस चाय प्रीमियम क्वालिटी वाली चाय है जिसमें ऑर्थोडॉक्स होता है जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और डॉक्टर भी ऑर्थोडॉक्स के सेवन की सलाह देते हैं। कनीस चाय को आसाम के बागानों से चुनकर लाया जाता है और नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। अरे वाह, तब तो मैं भी आज से अपने घर कनीस चाय ही लाऊंगा। और ये लीजिए आपकी कनीस चाय पत्ती। आप भी आज ही कनीस चाय पत्ती लाइए और चाय का असली टेस्ट पाइए। कनीस प्रीमियम टी, दिल की बात जुबां पे।
आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।